डा फट। वीडियो एडिटर अच्छे से साउंड लगा दियो। फ्रेंड्स प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसने भाई कौन से जाम के साउंड लगाए हैं। वैसे शेर की बोल रखी मैंने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम एक ऐसा गैजेट बनेंगे जो फ्रेंड्स सिर्फ एक मिनट रिचार्ज करने पर घंटों चलेगा। और फ्रेंड्स आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, एमएस टॉर्च लाइट जला सकते हो और बहुत कुछ इसका यूज में ले सकते हो। फ्रेंड्स बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। प्लीज दोस्तों वीडियो कम पे वॉच कीजिएगा। हां चलिए शुरू करते हैं समर एक्सपेरिमेंट। तो इस गैजेट की बॉडी बनाने के लिए हम ऐसी चीज यूज करेंगे, ऐसा मेटेरियल यूज करेंगे आज तक आपने नहीं देखा होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यह है पीवीसी पाइप की शीट। अच्छा जानते हो आप इसे। कोई बात नहीं, क्या करें भाई, मार्केट में आपको सस्ता मिलता नहीं, हम गरीब आदमी है। चलिए इनके कुछ डायमेंशन दिखाते। देखिए 13 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और भाई 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एक से है दोनों, और 13 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। चलिए फ्रेंड फटाफट इसका डिब्बा बना लेते हैं। बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। चलिए फ्रेंड साइड रखते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं हाउ वाट 5 वोल्ट की 3 LED, बहुत अच्छी रोशनी करती है। मैं 3 LED का यूज़ करूँ जिससे ज़्यादा देर तक चल सके। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। कोई सी भी साइड आप ले सकते हो। सेंटर से 15 mm और 15 mm का मार्क कर दिया है। तो भाई एक LED लगा के देखते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम, बेहतरीन, मसालेदार। तो फ्रेंड्स इनका काम तो हो गया है। तो भाई LED तो रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर लेते हैं मॉड्यूल, जो कि फ्रेंड्स 5 वोल्ट का मॉड्यूल है और ये वैसे तो बैटरी चार्ज करता है, लेकिन हम इसमें और कुछ सिस्टम लगाने वाले हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पता लगी जाएगी। चलिए दोस्तों मोबाइल रिचार्ज करने के लिए इस मॉड्यूल को पहले फिक्स करते हैं। यहाँ पर हमने एलियन का ये चेहरा बनाया, फटाफट से कट कर लेते हैं। मॉड्यूल पर मैंने वायर लगा दिए हैं और भाई देखते हैं कैसी फिटिंग आ रही है। हमारे तो जेंट्स की फिटिंग भी अच्छी नहीं आती, इसकी कैसे आएगी। बेहतरीन, ये तो कमाल हो गया। अब यहाँ पे मैं 2 SPST स्विच ले रहा हूँ, कोई भी आप स्विच ले सकते हो, जो कि ऑन ऑफ का काम है भाई इसका, सिंपल सी बात है। और मैं रहूँगा इसके अपोजिट साइड इतने। ये भी कंप्लीट हो गए। चले दोस्तों फटाफट इस पे कलर करते हैं। लो भाई सूख चुका है। चलिए काम शुरू करते हैं। तो पहले भाई LED फिट करते हैं। तीनों LED काफी अच्छी लग रही है। चलिए मॉड्यूल को फिट करते हैं और मेरे से वायर पहले जोड़ लिए जिससे भाई मुझे बाद में दिक्कत ना हो। सेम इसी प्रकार इस प्रकार स्विच पे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड छोटे मोटे काम तो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए भाई इसकी कनेक्शन बताऊं। देखिए ये इसका नेगेटिव है जो निकला, और इसका जो पॉजिटिव है सीधा स्विच से होकर गया है, ये निकला। ठीक है, यानी इसके दोनों बार देखिए, ये रे ग्रीन और रेड। ठीक है, ऐसी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए LED का ये पॉजिटिव जो कि स्विच से होकर जा रहा है, देखिए इससे आउटपुट निकल गया और यह ब्लैक। ठीक है, तो ये इसका इनपुट हो गया और ये इसका इनपुट हो गया। यहाँ पर पावर देने के लिए मैं ले रहा हूँ 300 RPM का DC मोटर, जो गियर मोटर है, देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स की पावर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स कोई फेक नहीं होगा, जैसा भी होगा आपके सामने लाइव टेस्ट होगा। देखिए मैंने इसके वायर लगा दी सीधा प्रॉपर, देखिए मल्टीमीटर में। ठीक है, और भाई शाफ्ट घुमाने के लिए मैं जो स्पोक होती है साइकिल की रिम की वो ले रहा हूँ एज ए हैंडल, और भाई इसे घुमाते हैं। यहाँ नजर रख रही है फ्रेंड्स आपको, और मैंने इसे एम्पियर पे लगा रखा है। देखिए ठीक है, देखते देखिए वाह, देखिए फ्रेंड्स देखिए, यानी कि आराम से देखिए 1.5 एम्पियर से ऊपर बना रहा है नॉर्मली घुमाने पर। अब आते हैं वोल्टेज पर इसके। देखिए देखिए फ्रेंड्स आराम से, देखिए 5, 6, 7 आराम से वोल्टेज बना रहा है। देखिए देखिए वही स्पीड में घुमाई थी पहले स्पीड थी। देखिए तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, हमारा मोटर काम कर रहा है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका काम है क्या इस वीडियो में। तो भाई मैंने निकाल लेता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है। तो चलिए इस मोटर को इस बॉक्स के अंदर फिट करते हैं। आप कहीं फिट कर सकते हो, मैं फिलहाल थोड़ा स्विच से इधर फिट कर रहा हूँ। बिल्कुल मस्त लगा है पापा।
तो भाई मोटर मैंने काफ़ी अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर ले रहा हूँ मैं 5408 का एक डायोड, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जानते हो भी 1.5 एम्पीयर 2 एम्पीयर से ऊपर इसमें जाएंगे, तो थोड़ा बड़ा डायोड में ले रहा हूँ। डायोड को मैंने पॉजिटिव वायर पर लगाया है, देखिए ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये लगेगा सीधा पॉजिटिव में, और भाई ये सिल्वर कलर है ये सीधा आउटपुट, क्योंकि फ्रेंड्स ये इनपुट नहीं है, अब इससे सीधा हम आउटपुट लेंगे, यानी कि ये मोटर एज ए डायनोमा काम करेगा, हमें पावर बना के देगा। अब आप सोचोगे समर या तो इसे घुमाएगा पावर जनरेट होगी, पावर बनेगी, बिजली बनेगी, तो भाई पावर को सेव कहाँ करेगा? तो पावर सेव करने के लिए फ्रेंड्स आप कोई बेल्ट का यूज कर सकते हो, ये मोबाइल की बैटरी है, ये 18650 लैपटॉप की बैटरी है, और देखिए ये भी ड्राई बैटरी है। फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये है कि भाई इन्हें रिचार्ज करने के लिए इसे बहुत देर तक घुमाना होगा, यानी कि बहुत देर तक आप घंटों घुमाते रहोगे, लेकिन फिर समय ऐसे को तुरंत चार्ज जाए और आपको आउटपुट बहुत समय तक दे, यानी कि आउटपुट आपको ज़्यादा दे, कम समय में रिचार्ज जाए, तो भाई हम इनका किसी का भी यूज़ नहीं करने वाले इस वीडियो में। आपको लग रहा समय तो ये वाली बैटरी यूज़ करेगा, नहीं फ्रेंड्स आज हम कुछ नया ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सुपर कैपेसिटर का, देखिए भाई साहब तुरंत एक मिनट में चार्ज हो जाते हैं, और फ्रेंड्स घंटों आपको बैकअप दे देंगे, देखिए और फ्रेंड्स वो भी एक नहीं मैं दो तो यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, और दोस्त दो मैं इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि फ्रेंड्स ये दोनों में सीरीज में लगाने वाला हूँ, जिससे आपको 5 वोल्ट के अप्रॉक्स मिल जाए कंटिन्यू, क्योंकि एक 2.7 वोल्ट का है देखिए और 500 फैराड का है देखिए। चले फ्रेंड्स इनकी थोड़ी सी पावर भी जाँच लेते हैं, देखिए यह टिन वायर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायर होता है, देखिए समझ रहे हो ना कितना मोटा तार है, देखिए अब देखते हैं थोड़ा शॉर्टकट करके देखते हैं, देखिए दोबारा करता हूँ, देखिए तिबारा करता हूँ, देखिए चौबारा करता हूँ, देखिए, यानी फ्रेंड्स आप बार बार ऐसे ट्राई कर सकते हो, जल्दी ये डाउन नहीं होगा। चलो दूसरी ट्राई करते हैं, देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा भाई, और देखिए बस, और जैसा मैं इसका शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों बैटरी के साथ ऐसा ना करें, बैटरी ख़राब हो सकती है, इसका रिचार्ज साइकिल काफ़ी ज़्यादा होता है इसके मुकाबले, और फ्रेंड्स जैसे एक मिनट में रिचार्ज हो जाता है और घंटों आपको बैकअप दे सकता है। दोनों कैपेसिटर मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिए हैं, ये इसका नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है, अब इसका पॉजिटिव आउटपुट निकला और इसका नेगेटिव आउटपुट निकला। लो भाई ये बन का पूरा का पूरा बिजली घर। वैसे फ्रेंड्स हमारा जो गैजेट है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब आप इसे रोटेट यानी घुमाओगे तो आपको पता कैसे लगेगा भाई रिचार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप इसे उल्टी डायरेक्शन घुमाने लगो, ठीक है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो भाई इसका काफी सिंपल सॉल्यूशन है, देखिए फ्रेंड्स एक एलईडी ली है, 1K का क्वार्टोमर रेजिस्टेंस लिया है जो कि पॉजिटिव लैंप में जोड़ दिया है, लंबे वायर लैंप में जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया, देखिए जी गाइस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और देखिए एलईडी का वायर आपको देखिए एलईडी का पॉजिटिव वायर सीधा मोटर के पॉजिटिव में, मोटर के पॉजिटिव ना कि डायोड में, यहां पर जहां से मोटर की पावर निकलेगी आउटपुट, ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स जो उसका नेगेटिव है सीधा मोटर के नेगेटिव वायर पर, यानी कि एलईडी के दोनों वायर आपको मोटर में कनेक्ट करने हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है, दोस्तों मैंने इसका ऊपर का भी ढक्कन नहीं लगाया है, जी दोस्तों कोई भी फेकी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, देखिए कोई भी बैटरी इसके अंदर नहीं है, बस दोनों कैपेसिटर है, और देखिए चलिए फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको इसकी टॉर्च जला के दिखाता हूँ, ये स्विच है इसका, देखिए देखिए फ्रेंड्स वाओ क्या ब्राइटनेस देख सकते हो, काफी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है। तो फ्रेंड्स मैंने स्टूडियो के सारे लाइट ऑफ कर दिए, चलिए दोस्तों ट्राई करते हैं इसकी टॉर्च कैसी है, देखिए फ्रेंड्स वाओ, देखिए दोस्त क्या ब्राइटनेस है, दोस्त आप भूत को भी देख सकते हो, देखिए मुझे देख लिया, अब देखिए लाइट बंद कर दी, देखिए अंधेरा बिल्कुल, कई फ्रेंड्स आपको लगे ना, देखिए 100% रियल है जो भी है, देख सकते हो काफी हाई इसकी ब्राइटनेस है, देखिए। तो फ्रेंड्स आपने लाइट का जलवा तो देख लिया, जिसमें बैठकर आप हलवा भी खा सकते हो, चलो फ्रेंड्स आप पावर बैंक का जलवा देखते हैं, तो भाई ये रहा गरीब का मोबाइल, और भाई लगाते हैं इसमें डेटा केबल, अब देखिए दोस्त यहाँ मैंने स्विच दिया है सीधा मॉड्यूल से, जिससे बेवजह कैपेसिटर की पावर कंज्यूम ना करे मॉड्यूल, ठीक है फ्रेंड्स लंबे समय तक चाहिए भाई, हम एमरजेंसी फंस गए कहीं जंगल में कहीं भी, दोस्तों पावर सेव रहनी चाहिए, वैसे ऑटोमेटिक थोड़ी थोड़ी पावर इसमें जाती रहती है, लेकिन फिर भी पावर रहनी चाहिए, बेवजह कंज्यूम नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों मैं स्विच ऑन करता हूँ, देखिए ठीक है अब मैं इसमें लगाता हूँ, देखिए फ्रेंड आपके सामने जैसा भी रियल है, देखिए देखिए मोबाइल अच्छे से रिचार्ज हो रहा है, देखिए यहाँ पे एलईडी भी ब्राइट हो रही है, देखिए देख सकते हो वहाँ पे, वो मैं इसे निकालता हूँ, देखिए देखिए हट गया यहाँ से, देखिए अब मैं दोबारा लगाता हूँ, देखिए यहाँ से एलईडी बंद हो गई है, अब देखिए दोबारा लगाता हूँ, देखिए एलईडी चल गई है, यानी फ्रेंड्स आप इससे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, एमरजेंसी टॉर्च की तरह इसका यूज कर सकते हो, और आप इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत चीजें चला सकते हो, नए नए आइडिया ला सकते हो। और फ्रेंड्स चलिए अब इसको आपका ढक्कन लगाते हैं, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने आपको बता दी फ्रेंड्स कि मैं साइकिल की स्पोक यूज कर रहा हूँ, अब देखिए इसमें लगाना है,
देखिए यहाँ दोस्त LED देखिएगा, देखिए देख सकते हो, देखिए ब्राइट होगी मेरे फ्रेंड, तो आपको पता लगेगा। हाँ भैया रिचार्ज हो रहा है, देखिए बंद हो गया, ठीक है देखिए, देखिए जब मैं चलाऊंगा तब ये लाइट चलेगी, देखिए यहाँ फ्रेंड से आपको पता लग जाएगा आपको जो कैपेसिटर है वो रिचार्ज हो रहा है। तो चले भाई अब इसका कैप लगा देते हैं, ऐसे ये ऐसा लगा रहा है कि भाई पता नहीं हमने क्या देख लिया। मेरी नाक चिपका लिए जो कि बहुत खुशी की बात है, चिपक जा सोच रहे। तो भाई लग गया कैप, यानी फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है। चले दोस्तों उसकी दोनों चीजें एक साथ ऑन करके देखते हैं, देखिए स्विच दोनों ऑन कर दिए। अब देखिए, देखिए फ्रेंड्स LED की ब्राइटनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मोबाइल भी अच्छे से रिचार्ज हो रहा है आराम से। फ्रेंड्स आप इसको खूब यूज कर सकते हो, ये जल्दी खराब नहीं होते। सुपर कैपेसिटर थोड़े महंगे तो आते हैं लेकिन फ्रेंड्स की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो भाई जैसे आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने आपको हर तरीके से टेस्ट करके दिखाया, कोई भी फेक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। एक बात और, इसकी शाफ्ट घुमाकर बहुत आसान है, बहुत जल्दी से रिचार्ज कर सकते हो बैटरी के मुकाबले, और काफी इससे बैकअप ले सकते हो, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। और चले फ्रेंड्स थोड़ा स्पोक के बारे में बात कर लेते हैं। भाई स्पोक काफी लंबी है और जैसे देख सकते हो दोस्त थोड़ी सी लंबी हमने स्पोक यहाँ पे लिए, तो आप इसे चाहो तो कट कर सकते हो, जैसे कि ये कट नहीं हो रही है, हमारा प्लास्टिक टूट गया। वाह देखिए, देखिए इस तरह से कट हो चुकी है, और आप आराम से इसमें लगाइए और देखिए इतना भी इनाफ है, बहुत मस्तकी से काम कर रहा है, ठीक है। इसे आप आराम से बैग में रख सकते हो या इसे कहीं भी इसमें फंसा सकते हो, आईडी बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, कुछ यूजफुल आपको लगा होगा। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। दोस्तों मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।